बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 3 की कहानी कुत्ते की वफादारी करने जा रही हूँ, तो आप सब गौर से सुनिएगा। बच्चों, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राजनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे भी जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-10-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न ताओ बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर कूट कूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखा बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछतावे की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली ये कथा थी। आभार। लाइक करो, तुम्हारा मित्रों ने शेयर करो और आओ वधु वीडियो जोवा माटे आ चैनल ने सब्सक्राइब करो। थैंक यू।